तो देखिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बैसिंग। बैसिंग क्या होता है? किसी पीएन जंक्शन डायोड में बैटरी को कनेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बैसिंग कहते हैं। यानी उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट करेंगे, उसको पीएन टर्मिनल्स को एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? बैसिंग कहते हैं। और ये जो बैसिंग होती है दो टाइप की होती है, फॉरवर्ड बैसिंग एंड रिवर्स बैसिंग। फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले की बात करते हैं। पहला नंबर फॉरवर्ड बायस होगा। किसकी बात करता हूं? फॉरवर्ड बायस। पहला नंबर फॉरवर्ड बायस में होता क्या है बच्चों? अगर हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर है, इस सेमीकंडक्टर को आप जानते हैं हमारे पास क्या है? जंक्शन है। ये हमारे पास क्या है? ये जंक्शन है। ये क्या है? पी टाइप है और ये एन टाइप है। इसमें आपको पता है इसमें क्या है? होल्स हैं। इसमें होल्स हैं। इसमें होल्स हैं। अभी मोबाइल चार्ज करियर से नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना। अब उसकी जरूरत नहीं है, जो दिखाना था मैंने दिखा दिया। या आप बना भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या कहो मैं बना दूं। ये यन टाइप है, पी टाइप है, मैंने बना दिया। अगर मैं इसके पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, बी के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर दूं? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, अगर पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं और एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर दूं? कनेक्ट कर दूं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉरवर्ड बायसिंग। ये अब भी मतलब फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर पी को मैं क्या कर दूं, पी को इसके पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, इस कंडीशन में ये फॉरवर्ड बायस कहा जाता है, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायस में कहा जाता है। अब आइए देखिए फॉरवर्ड बायस की हम क्या करते हैं, वर्किंग देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। जब इसको पी को क्या कर दिया जाएगा, प्लस से जोड़ दिया जाएगा और एन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो होगा क्या पता है? पॉजिटिव क्या करेंगे बोलिए? जो होल्स हैं, होल्स को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। क्यों? क्योंकि होल्स भी पॉजिटिव होते हैं। होल्स को क्या करेगा? इधर डायरेक्शन रिपल करेंगे। होल्स को इधर डायरेक्शन क्या करेंगे? रिपल करेंगे। और ये नेगेटिव क्या करेंगे? नेगेटिव
ये नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी भी नेगेटिव, ये इसको भी क्या करेगा जंक्शन की ओर क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक, फॉरवर्ड बायसिंग करने पर डिप्लेशन लेयर थिन हो जाएगी और जो यन टाइप का इलेक्ट्रॉन होगा वो जंक्शन को क्रॉस करके किसमें जाना चाहेगा, बोलिए किसमें जाना चाहेगा, वो बोलो, वो जाना चाहेगा पी में, और पी का जो होल है किसमें जाना चाहेगा, यन में जाना चाहेगा। तो इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन का और होल का जब मोमेंट होगा इसके कारण क्या होगा, बोलिए, इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं, यानी फॉरवर्ड बायसिंग में फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है ना, करंट फ्लो करता है। अगर मैं इसका क्या करते हैं बिहेवियर देखूं फॉरवर्ड बायस का, देखना इधर, तो ये क्या होगा, मैं इधर देखता हूं, तो देखिए अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो इधर फॉरवर्ड वोल्टेज है, यानी फॉरवर्ड वोल्टेज, यानी क्या है VF, और इधर क्या है फॉरवर्ड करंट होगा IF। ठीक, तो यहां से जो करंट फ्लो करेगा, जैसे जैसे बायसिंग क्या करेंगे वोल्टेज को बढ़ाएंगे, ध्यान से देखना आप लोग, जैसे जैसे वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे फॉरवर्ड वोल्टेज के, ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से क्या करेंगे जंक्शन को क्रॉस करेंगे, और होल क्या करेंगे जंक्शन को क्रॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के कारण क्या हो जाएगा, करंट बहुत तेजी से क्या करेगी फ्लो करने की, यानी सडनली वो क्या कर जाएगी, ऐसे इंक्रीज कर जाएगी, ये चलती रहेगी चलती, जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वो सडनली क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका करेक्टरिस्टिक होगा, इसका वोल्टेज के साथ करंट का जो नेचर होगा। ठीक ना, देख लो अपने से देखो यार, जब क्या करें बैटरी, बैटरी की पावर को बढ़ाएंगे हम, बैटरी बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ाएंगे इसका, तो क्या होगा, ये बहुत तेजी से क्या करेंगे ट्रांसफर होना शुरू कर देंगे, या आप ये कह लो कि ये क्या करेगा सभी इलेक्ट्रॉन को जल्दी जल्दी अट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को इधर से निकालता रहेगा और ये चलता रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा, ये देता रहेगा, और ये इसका मूवमेंट चलता रहेगा, करंट फ्लो करता रहेगा। तो फॉरवर्ड बायस में ये कंडीशन बन जाती है। ठीक ना, तो आइए इसमें क्या करते हैं, एक एक बातें हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं मैंने क्या लिखा इसमें। तो देखिए, इफ द पीएन जंक्शन आप पी connected to the positive terminals of the battery and N is connected to the negative terminals of the battery, then the junction is in forward bias. मैंने ये बातें बताए, अगर P को positive से, N को negative से जोड़ दिया जाए forward bias में हो जाएगा। In forward bias electron and holes repelled by the terminals of the battery, battery के द्वारा holes and क्या electron repel कर दिए जाएंगे, and electron and holes moving towards क्या junction की ओर move करने लगेंगे। और उसके बाद मैंने क्या बताया, इन फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, ये कैसा बिहेव करेगा, कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। ये बातें हो गई। ठीक, अब हम बात करेंगे रिवर्स बायसिंग की। किसकी बात करेंगे बच्चों, रिवर्स बायस की बात करेंगे हम लोग। तो आइए हम रिवर्स की बात करते हैं। रिवर्स बायस की बात करते हैं। तो रिवर्स बायस में क्या होता है, आप लोगों को पता चल गया होगा, अगर मैं ये कोई पीएन जंक्शन बनाया, पीएन जंक्शन मैंने बनाया, तो ये हमारा ये डिप्लेशन रीजन हो गया, ये क्या है क्या पी टाइप हो गया, और ये क्या हो गया यन टाइप हो गया। अगर पी को बैटरी के क्या कर दूं, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, किससे कनेक्ट कर दूं, नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं,
और क्या कर दूं, जन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस कहेंगे। अब रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव इसमें सारे होल हैं, होल को क्या कर लेंगे अपनी ओर, क्या करेंगे अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो, तो अब देखिए, अब क्या करूं, जब मैंने इसको पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, जितने भी होल्स होंगे वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल द्वारा क्या कर लिए जाएंगे, अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो सभी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, समझ गए ना, सबको अट्रैक्ट कर। जैसे ये क्या करेंगे, होल इधर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इसकी डिप्लेशन लेयर ऐसे क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी ई मोबाइल चार्ज कैरियर को छोड़ता जाएगा, यानी आप ये कहेंगे इसका विड्थ क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, समझ गए ना, जैसे जैसे दूर चलते जाएंगे। या कुछ लोग इसे खाली कर देते हैं, ठीक है ना, खाली बना देते हैं, इसका मतलब सभी होल एंड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सब दूर चले गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो, ये छोड़ के चला गया ना ई मोबाइल चार्ज, क्योंकि ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या करते हैं, मूव करते नहीं, तो ये डिप्लेशन लेयर क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, उस कंडीशन में कोई फॉरवर्ड करंट नहीं फ्लो करेगी, ठीक है ना, कोई फॉरवर्ड करंट फ्लो नहीं करेगी, फिर भी कुछ न कुछ वो रिवर्स डायरेक्शन में कुछ न कुछ करंट फ्लो करती है। वो क्यों करती है, उसका मेन रीजन समझे आप, ठीक है ना, उसका मेन रीजन समझे आप लोग। तो अब क्यों करता है वो मैं दिखाता हूं आगे के फिगर में, इसे में बहुत हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा बहुत करंट क्या करता है, वो फ्लो करता है बच्चों, वो क्यों करता है, मैं जल्दी से इलेक्ट्रॉन होल बना दे, ये होल है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, समझ गए ना, थोड़ा समझाने के लिए। तो कुछ होल इधर भी होंगे, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में इधर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पी टाइप है और ये क्या है, एन टाइप है, समझ रहे हो क्या, कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होंगे एन टाइप में, ठीक है ना। तो जब बैटरी ये क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल से जब कनेक्ट कर दिया जाएगा, यानी रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे इधर चले आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को बुला लेगा और इधर होल बुला लेगा ना। लेकिन ये बताओ, तो अब तो फॉरवर्ड करंट तो फ्लो करेगी नहीं, लेकिन आप लोग तो ये भी तो ध्यान रखें कि इसमें पी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन की होती है और एन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल की होती है, तो ये नेगेटिव माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को रिपल करेगा कि नहीं, बोलो, और ये जो प्लस है इसके होल को इधर रिपल करेगा, और ये जो होल है इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन, इधर आएंगे, इनके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कुछ न कुछ करंट क्या करेगा, वो फ्लो करेगा, और इसी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो करता है उसको हम रिवर्स करंट कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम देखें तो कुल मिला के ये ऐसे बनेगा, ये कुल मिला के ऐसे बनेगा, ये हमारा इधर जो बोल्ट होगा वी आर मतलब रिवर्स करंट होगा, और इधर मेरा क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, मतलब रिवर्स करंट। तो बताओ, ये रिवर्स वोल्टेज है, इधर क्या था फॉरवर्ड वोल्टेज, इधर क्या था आई एफ था,
जब इधर रिवर्स में बढ़ाऊंगा वोल्टेज, तो ये करंट क्या करेगी, ये स्लोली स्लोली करंट क्या करेगी, स्लोली स्लोली करंट क्या करती जाएगी, फ्लो करती जाएगी। इसी को रिवर्स करंट कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, रिवर्स करंट कहते हैं। समझ में आना, यानी मतलब कि रिवर्स करंट, यानी कोई बैटरी नहीं अप्लाई करने पर, मतलब उल्टी बैटरी अप्लाई करने में कुछ ना कुछ रिवर्स करंट फ्लो कर रही है, इसी को रिवर्स करंट कहते हैं। ओके बच्चों, तो आपने देखा कि रिवर्स करंट कैसे फ्लो करता है। ठीक, तो आइए हम इसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। बच्चों देखिए, मैं वही चीज लिखा जो भी बताया। If P connected to the negative and N is connected to the positive terminal of the battery, then PN junction is in reverse bias. मैंने बताया ना, अगर क्या कहते हैं, P को negative और N को positive से connect कर दो तो क्या हो जाएगा, reverse bias कहलाएगा वो। ठीक है ना, अब इसमें देखो, in region the electron in N region and hole in P region, यानी N region का electron, P region का hole is attracted by the terminals of the battery. बैटरी के टर्मिनल द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, सो नो एनी करंट फ्लो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, इन रिवर्स बायस्ड द स्मॉल करंट फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अभी उसके लिए मैंने फिगर बनाया था, ठीक है ना, ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अगर मैं ओवरऑल करेक्टरिस्टिक देखूं, द करेक्टरिस्टिक ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, द करेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन की करेक्टरिस्टिक कोई बताएगा, VI करेक्टरिस्टिक, VI करेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा? तो VI करेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, मतलब कि जो करंट फ्लो करता है, यानी पीएन जंक्शन में कैसा नेचर होता है करंट और वोल्टेज के बीच, वो हमको दिखाना होता है। ठीक है ना, यानी वोल्टेज और करंट के बीच का हमको जो ग्राफ दिखाना है वो होता है। ठीक है ना, तो अब देखना, दोनों को एक साथ में अगर बनाऊं, दोनों को एक साथ में ओवरऑल बनाऊं तो क्या हो जाएगा बताइए। इधर क्या होगा, वी एफ होगा यानी फॉरवर्ड वोल्टेज, इधर क्या होगा रिवर्स वोल्टेज, इधर क्या होगा आई एफ फॉरवर्ड करंट, इधर क्या होगा आई रिवर्स करंट आई आर। ये क्या हो जाएगा माइक्रो एम्पियर में होगा, ये क्या हो जाएगा मिली एम्पियर में होगा। ठीक, और ये वोल्ट में होगा, ये भी वोल्ट में होगा। तो देखिए वही दोनों को कंबाइंड कर दीजिए, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा वी आई करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। ये फॉरवर्ड वी आई करेक्टरिस्टिक, रिवर्स वी आई करेक्टरिस्टिक। ओके, आई होप कि आप लोग ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्या कहते हैं कि एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पीएन जंक्शन, एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर के लिए एक्सप्रेशन तैयार करेंगे। ओके, इतनी देर तक पढ़ने के लिए धन्यवाद बच्चों।